Morning students, welcome to A1 Education Academy online classes. I'm Akash Srivastav. Today I am going to teach you the second chapter of your book EVS, that is organ system of our body. हमारे body का complete organ system हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि chapter second है आपके EVS का. Okay, let's start the chapter. Our body is like a wonderful machine. बट हमारी body जो है बहुत ही wonderful machine की तरह काम करती है. Machine ही है हमारी body ऐसे. क्यों? It works with the help of various organs. जैसे machine अलग अलग parts की help से काम करती है, वैसे हमारी body को entire function को perform करने के लिए अलग अलग तरह के organs की help लेनी पड़ती है. और सारे organs जो होते हैं वो मिल करके various task perform करते हैं जिससे हमारी body properly work कर पाती है. ठीक है. The parts of body which are located inside our body are called internal organs. वो parts जो हमारी body के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं internal organs. ठीक है. अगर हम बात करें organs को तो ये बोलते हैं, ठीक है, ये कह रहा है organs क्या है, एक तो है internal organs. क्या है? internal organs ये कहाँ होते हैं? इनसाइड आवर बॉडी. कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है. वी कैन नॉट सी देम विद आवर आईज. हम इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. सम इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से? एग्जाम्पल ले लो. कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल ले लो, ब्रेन. ठीक है, लीवर, लंग्स, किडनी, किसी कई ऐसे ऑर्गन हैं जो कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है. दीज ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलोन. ये ऑर्गन्स बेटा अकेले काम नहीं करते हैं. सभी ऑर्गन्स, कई ऑर्गन्स एक साथ मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. और हर सिस्टम जो होता है, ईच सिस्टम इन द बॉडी हैज ओन फंक्शन. हर ऑर्गन सिस्टम का एक अपना अलग फंक्शन होता है. ठीक है. हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की. ऑर्गन सिस्टम होता क्या है? ये तो ऑर्गन है. क्या है? ऑर्गन. अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जब वो वर्क करते हैं साथ में एक काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब ऑर्गन्स का एक ग्रुप काम करता है तो उस ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते होते हैं. ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. और कई ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं जो एक साथ मिलकर के काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहती है. ठीक है. जैसे कौन कौन से आप देखो, स्केलेटन सिस्टम. क्या है? स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन हर अलग अलग ऑर्गन्स का, ये अलग अलग सिस्टम जो होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्प से एक सिस्टम जनरेट करते हैं. और वही सिस्टम जो होता है बेटा वो आपकी बॉडी के प्रॉपरली हर फंक्शन को परफॉर्म करता है. आपकी बॉडी का एक भी ऑर्गन डैमेज अगर होता है तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है. हम वीक हो जाते हैं, हम वो सारे काम नहीं कर पाते हैं जो एक हेल्दी पर्सन कर लेता है. ठीक है. हम बात करते हैं इसकी. फर्स्ट नंबर आता है द स्केलेटन सिस्टम. आता है द स्केलेटन सिस्टम का. ये क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम ये बना होता है बोन से, मतलब एक हड्डियों का ढांचा, स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है वो होता है स्केलेटन सिस्टम. ठीक है. जब आप अपनी बॉडी को अलग अलग प्रेस करते हो तो आपको कुछ हार्ड फील होता है. ठीक है. वो जो हार्ड फील होता है ना, कि कुछ अंदर हार्ड सा है, वही हड्डी होती है, वही बोन होता है. तो एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर 206 हड्डियां, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर.
ये सब भी ज्वाइन होते हैं और एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। उसी फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, और यही स्केलेटन क्या करता है, आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स इसके अंदर ही सेफ रहते हैं, जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, ये आपके इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर सेफ रहते हैं, ठीक। स्कल, जैसे आपको ये क्या है, स्कल है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन इसके अंदर होता है, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, द बैक बोन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, बैक बोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। रिब केज, ये जो होता है ढांचा हड्डियों का, एक रिब केज, इसके अंदर आपके क्या है, लंग्स है, हार्ट है, ये प्रोटेक्ट होते हैं। द मीटिंग ऑफ प्लेस ऑफ टू बोन इज कॉल्ड जॉइंट, वो प्लेस जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, जहाँ जो मूवमेंट आता है उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट। जैसे ये हड्डी और ये हड्डी जुड़ रखी है यहाँ पर, ये क्या हुआ है, ज्वाइंट हुआ। ये शोल्डर जुड़ रखा है, इस हड्डी जुड़ता है यहाँ से, ये क्या हुआ, ज्वाइंट हुआ। कि यहीं से मूवमेंट होता है, यहीं से मूवमेंट होता है। अगर आप कहेंगे यहाँ मूवमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ ज्वाइंट नहीं है, जहाँ ज्वाइंट होता मूवमेंट वहीं होगा, ठीक है। ज्वाइंट क्या होता है, बोन्स आर प्लेस्ड, बोन्स इस तरह से प्लेस की जाती हैं, ऐसे अरेंज होती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर जाए, ठीक है। दैट इज वाई इसलिए हम क्या करते हैं, हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, रुक पाते हैं, ठीक है, अलग तरह के काम कर पाते हैं। अगर आपका ये हाथ मूव ना करे तो ये फिक्स हो जाएगा, क्या ऐसे चलेगा, ये मूव ना करे तो क्या आप खाना खा पाओगे, काम कर पाओगे, लिख पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, ये ऐसे फिक्स रहेगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। नंबर टू आता है मस्कुलर सिस्टम का, किसका आता है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ मसल्स, ये बनता है मांसपेशियों से, किससे बनता है, मांसपेशियों से बनता है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, मांसपेशियां हड्डी से अटैच हो जाती हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 600 मसल बॉडी, हमारे बॉडी में 600 से अधिक मसल्स होते हैं, ठीक है। कुछ मसल्स आपको हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। दे पुल द बोन्स टू मेक देम मूव, ये हड्डियों को खींचते हैं ताकि हम मूव कर पाए। मसल्स इन द हार्ट पंप ब्लड एंड हेल्प, जो मसल्स होते हैं हार्ट में, ठीक है, वो पंप करते हैं ब्लड को ताकि ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, ठीक है, और डिफरेंट मिनरल्स हमारे बॉडी तक पहुंच पाते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं बॉडी तक पहुंच पाती हैं, ठीक है। थर्ड, द डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, ये खराब तो पूरी बॉडी खराब, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस सिस्टम हैज ए डाइजेशन ऑफ फूड, यह सिस्टम फूड के मतलब पचाने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मतलब भोजन के पचने और एब्जॉर्प्शन का सारा फंक्शन यहीं पे होता है। डाइजेस्ट सिस्टम शुरू होता है आपके माउथ से, जैसे ही आपने एक बाइट मुंह में ली डाइजेस्ट सिस्टम वहीं से शुरू हो जाता है, जैसे आप भोजन चबाना शुरू करते हो, ठीक है, तो वैसे ही आपके जो माउथ के अंदर सलाइवर ग्लैंड्स होते हैं सलाइवा सेक्रेट करते हैं, ठीक है, जिससे वहीं से आपकी भोजन पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले भोजन खाना जो है स्मॉल पार्ट में टूटेगा, फिर वो फूड पाइप से जो अर्थ में बोलते हैं वहाँ से होते हुए कहा जाता है स्टमक में जाता है, फिर वो जाता है, फिर क्या है इसमें क्या है, अब कौन कौन से पार्ट्स में आए, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और भी कई अलग अलग ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को प्रिपेयर होने में बनाने में, ठीक है। जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जो आपने खाना खाया उस खाने में से जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करके पहुँचते हैं, और इसी कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जो होता है वो शुरू होता है माउथ से, जब आप भोजन फूड के च्यू करते चबाते हो दांतों से, तो ये छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर जो हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है बेटा, वो क्या करता है, वो
भोजन को और सॉफ्ट बनाता है ताकि भोजन जो खाना है वो बिना किसी प्रॉब्लम के वो सीधा आपके फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक है, स्वालोड फूड पचा हुआ भोजन जो निकला हुआ भोजन होता है फिर जाता है कहाँ पे, स्टमक में, जहाँ से उसमें डाइजेस्ट मिक्स होता है। ठीक है, और आगे वो और टूटता है, फिर पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ जो विटामिन्स होते हैं वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्ट होता है बिना पचा हुआ भोजन होता है वो जाता है लॉजिस्टाइन में और वहाँ से एनस के थ्रू आपकी बॉडी से वो स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं आपको सांस लेने में और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई करने में। ये इंक्लूड क्या होते हैं? नोज, विंड पाइप और लंग्स। नोज में क्या होता है? नोज वी ब्रीद और इनहेल विद नोज, आप नाक से कुछ सांस लेके अंदर खींचते हो। ठीक है, नाक के अंदर के जो बाल होते हैं ना हुए होते हैं वह करते हैं वो जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वही रोक देते हैं और ताकि साफ हवा ही केवल लंग्स तक जाए। एयर देन ट्रेवल्स के बाद एयर जो होती है वो विंड पाइप से होती है लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स क्या होते हैं? आपके चेस्ट में दो बड़े बैग की तरफ होते हैं। ठीक है, जो सांस लेने पर फूल जाते हैं और छोटे तो वो वापस से पिचक जाते हैं। ठीक है, लंग्स, इन द लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में और उसके बाद वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के एंटायर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड हमें गिव्स आउट CO2 आर बर्निंग, जब भोजन बर्न होता है बॉडी में तो उसमें उसमें क्या होता है? वो CO2 रिलीज करता है, जो हम सांस छोड़ते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर सांस लिया, फिर ऑक्सीजन अंदर गया, फिर सांस छोड़ा, CO2 बाहर आया। इसी कंप्लीट इंटरेक्शन से बेटा क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो पूरे ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, मतलब सारे बेटा ऑर्गन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसमें से कोई भी एक सिस्टम काम करना अगर बंद कर देता है, इन सारे ऑर्गन सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम अगर काम करना बंद कर देगा तो आपकी बॉडी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होते हैं? एक तो हार्ट, एक ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल्स, इनमें खून दौड़ेगा। हार्ट क्या होता है? एक फिस्ट साइज मसल और होता है। ठीक है, आप अपने हाथों को बंद कर लीजिए, इसके आकार में आपका हार्ट होता है। ठीक है, ये लोकेट होता है रिब केज में, दो लंग्स के बीच में। हार्ट लगातार बीट करता रहता है, पंप करता रहता है। एक नॉर्मल हार्ट रेट 70-80 टाइम्स होती है पर मिनट पे। ठीक है, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। किसके जरिए? ब्लड वेसल्स के जरिए। ब्लड वेसल्स उधर के होते हैं आर्टरीज और वेन्स। आपके हाथों में से दिखती है ये होती है वेन्स, आर्टरीज नीचे होती है, वेन्स ही ऊपर होती है। आप उतने भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो वेन्स में लगते हैं। ठीक है, वेन्स में क्या होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लू दिखता है वो होती है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में शुद्ध खून निकल दौड़ता है। ठीक है, जो हार्ट से अलग अलग पार्ट तक आता है। वेन्स में होता है इनप्योर ब्लड, इसमें CO2 मिक्स होता है, जिससे क्या होता है? अलग अलग हार्ट के तरीके आता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट, अलग अलग पार्ट से हार्ट तक आता है। उसके बाद ठीक है ये लंग्स से CO2 बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये ब्लड का दौड़ना पूरी बॉडी में जो होता है सिस्टम को परफॉर्म करता है, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। खून के जरिए ही बाकी न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच पाते हैं। हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो सारा न्यूट्रिएंट होता है ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है, मिक्स हो जाता है। ब्लड में घुलने के बाद वो बॉडी के जहाँ जहाँ जिन जिन न्यूट्रिएंट्स होती है
वो न्यूट्रिएंट्स वहां वहां पहुंचते चले जाते हैं। क्लियर? हाँ, आगे आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीट करना मतलब बॉडी में जैसे बनती है तो वो बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकलेगा, तो बॉडी भी अपने शरीर से वेस्ट को निकाल लेंगे, अलग अलग सिस्टम को तैयार कर रखी है, वो सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इससे जैसे स्वेट है पसीना, यूरिन के थ्रू और CO2 के थ्रू वेस्ट जो होता है बॉडी से बाहर जाता है। लंग्स, स्किन और किडनीज ये होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। किडनी क्या होते हैं? किडनी बील शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लड बॉडी के ब्लड को क्लीन करते हैं और वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये रिमूव करता है एक्सेस वाटर और सॉल्ट अगर बॉडी में आता है तो भी ये रिमूव करता है बॉडी से। लंग CO2 छोड़ बाहर निकालता है जब हम सांस छोड़ते हैं तब। स्किन भी वेस्ट को स्वेटिंग पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। स्वेट जो होता है उसको स्वेट ग्लैंड आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, मौजूद होते हैं, जिससे आपकी सांस ले पाती है स्किन और स्किन हेल्दी रह पाती है। ठीक है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मी में पसीना आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि बॉडी ठंडी रहे, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रह पाए। ठीक है, अगला है नर्वस सिस्टम। क्या होता है नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये कंसिस्ट करता है ब्रेन को और नर्व्स को, मतलब आपका एक दिमाग, ब्रेन और पूरी नर्व्स जो बॉडी में एक जाल की तरह फैली हुई है। ठीक है, ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी के सारे फंक्शंस को। नर्वस क्या होते हैं? जैसे एक बिजली का तार फैला होता है वैसे नर्वस सिस्टम में नसें फैली होती है बॉडी तक में अलग अलग पार्ट तक, ब्रेन के द्वारा दिए गए मैसेज को वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये ब्रेन को बॉडी के हर पार्ट में करती है। आपको पकड़ना है ब्रेन मैसेज देगा, आपने माकर पकड़ लिया, लिखना है आप शुरू कर देते हैं। ये सारा क्या होता है? ये सबसे ब्रेन से होता है और ब्रेन ही इन चीजों को कंट्रोल कर पाता है। नर्वस आर लाइक वायर्स, दे कनेक्ट ब्रेन। ब्रेन जो है लोकेट होता है हेड में, एक सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन होता है। मैसेज जो होते हैं वो नर्व्स के जरिए आते हैं, नर्व्स जो होती हैं ब्रेन को कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ब्रेन ऑपरेट करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन जो होता है नर्वस सिस्टम ऑपरेट करती है ब्रेन को। उसके बाद कह रहा है कि ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती है आईज, ईयर्स, नोज, स्किन से। ये इंफॉर्मेशन एनालाइज करता है, समझता है, देखता है, उसके बाद उसको बताता है ये चीज है क्या। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिना इसके जनरेशन आगे बढ़नी पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम जो होता है ये हेल्प करता है यंग वंस को जन्म देने में, यंग वंस को जन्म देने में करता है, प्रोड्यूस करने बेबीज को। मेल और फीमेल प्रोटोकॉल होते हैं, मेल के अलग पार्ट और फीमेल्स के अलग पार्ट। फीमेल जो होती हैं वो बर्थ कर देती हैं, मतलब जन्म देती हैं बच्चों को, ताकि जनरेशन आगे बढ़ती रहे। तो बेटा इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन बारे में हम अब अगले पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।